अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। मैं हूं बुशरा और अपने चैनल में आप लोगों का सबका बहुत खुश आमदीद करती हूं, वेलकम करती हूं आप सबका। और आज आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद मैं अपना हाउस टूरिंग कराऊंगी। और जो है ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था, लेकिन मैं इसे बनाने में काफ़ी लेट कर दी क्योंकि लाइफ कुछ इस तरह बिजी हो गई थी कि इसे बनाना थोड़ा सा टफ हो जा रहा था। तो ये है मेरे घर के पास पार्क, तो मैं स्टार्टिंग आपको अपने घर के आउटसाइड से करती हूँ क्योंकि ये हमारे घर के पास बिल्कुल पास में ही जो है फ्रंट पे ही ये पार्क है जहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं और काफ़ी हरियाली है। आप पार्क को देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ है और स्विंग्स वगैरह स्लाइडिंग लगी हैं, सब कुछ है और बच्चे यहाँ पर अच्छे खासे इंजॉय करते हैं। अच्छा, और घर के बिल्कुल पास में ही पार्क हो तो बच्चों को पार्क आना काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स भी, यहाँ पे हम लोग एक साथ मिलते हैं, गैदरिंग होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बच्चों का ये आउटडोर गेम यहाँ हो जाता है। बस हम लोग पार्क से बिल्कुल समझ लीजिए 4 से 5 कदम पे हमारा घर आ जाता है। ये विला है, विला में जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी 2 फ्लैट है। तो ये हम लोग के विले में एंट्री होती है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ये है ग्राउंड फ्लोर और इस पे भी दो फ्लैट हैं। और फिर हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये है, यहाँ पे भी आपको 2 जो है फ्लैट्स मिलेंगे और यहाँ पे मेरे फ्लैट्स में आपको 2 डोर मिलेंगे। एक ये बाहरी जो है जो गेस्ट रूम होता है उसका डोर है और एक ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ बाहर का सीन, ये कुछ इस तरह से है। और ये वाला जो डोर है ये ड्राइंग रूम में खुलता है और चाहे तो आप उधर से भी इंटर कर सकते हैं, चाहे इधर से भी कर सकते हैं। और सामने ही बिल्कुल ये आता है, मैंने ये एक वरांडा टाइप है, मैंने इसे थोड़ा सा लॉन का लुक दिया है, इसे ग्रीन ग्रास जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है उसे मैंने लगाया है और कुछ फ्लावर्स और वॉल स्टिकर्स। और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल होता है, बहुत ही सिंपल सा है। और मैंने अपना घर बहुत ज़्यादा तामझाम या बहुत ऐसी चीज़ों से नहीं डेकोरेट किया क्योंकि मैं अपना घर सिंपल सादा रखना चाहती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खेल कूद सकें, इंजॉय कर सकें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि घर कोई भी हो, कहीं भी हो और कैसा भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बिलियन डॉलर का हो, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, अगर हम उसमें प्यार से रहते हैं और अपने घर को साफ सुथरा संवार के रखते हैं तो वो घर वाकई मिलियन डॉलर से कम नहीं होता है। तो बस ये हमने सिंपल सा रखा हुआ है, सोफ़ा और सेंटर टेबल और साथ में ही यहाँ पे मेरे हस्बैंड का लैपटॉप और छोटी टेबल है जिससे बैठ के वो वर्क करते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम आजकल चल रहा है उनका। और सामने ही टीवी है और ये जो है वाईफाई का यहाँ कनेक्शन फिट है। और ऊपर ये है वॉल क्लॉक और ये है शोकेस जिसमें कि टॉयज भी हैं और बुक्स भी हैं। इसमें जो है इस्लामिक बुक्स हैं, कुरान है, कुरान जो है उर्दू के ट्रांसलेशन वाला कुरान है और हिंदी है, अरबिक है और छोटी कुरान, बड़ी कुरान, हदीस और बहुत से जो है उर्दू की किताब हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको क्योंकि मेरे हस्बैंड को रीडिंग का काफ़ी शौक़ है, वो बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो थोड़ा बुक्स रीडर टाइप है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बुक्स है और जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो बुक्स रीड ज़रूर करते हैं, ही लव्स रीडिंग बुक्स। और यहाँ पे हस्बैंड के जो है का चश्मा रखा हुआ है जो कि बाहर जब जाते हैं तब लगा के जाते हैं। यहाँ एक सदका बॉक्स मैंने बना के रखा है, मैंने मीन्स मेरे बच्चों ने बना के रखा है, इसमें डेली बच्चे हस्बैंड और हम लोग सदका डालते हैं। और यहाँ पे परफ्यूम है और इसमें जो है हस्बैंड का एयरपॉड है और उनके जो है चार्जर वगैरह जो कि बाहर ले जा सकते हैं ईजली, वो ऐसे ही पैक करके रखते हैं यहाँ पे। और बच्चों के टॉयज, एक सेक्शन साइड में बच्चों के टॉयज हैं और
ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे आई थिंक 2 साल पहले मदर्स डे पे मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो मैं इसे यूज़ नहीं करती, बस मैं ऐसे ही रखी हूँ फॉर मेमोरी पर्पस, तो मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मेरे हस्बैंड की पड़ी हुई है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट उन्हें मिली है, उनके परफॉर्मेंस बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, बट एक यहाँ पे रह गई है जो कि अभी रिसेंटली उन्हें मिली थी, आई थिंक फेब में उन्हें मिली है। तो उनका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, तो वो ऐसे ही यहाँ पे रखी हुई है। और ये सारी बुक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है सोशल जो बुक्स होती हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं, और भी बहुत से बुक्स हैं जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहली तो ये है, कौन सी है, अर्जुन सिंह की है ये बुक, जो कि ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए मेरे हस्बैंड जो, और ये है बरखा दत्त की है। तो ये सब अमेज़ॉन से उन्होंने ऑर्डर किया है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें शौक़ है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक उन्होंने ऑर्डर करके मंगाई है। और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो रीड करते हैं। तो जैसे कि आजकल बकरीद की छुट्टियां हो गई हैं, 10 दिन की, ऑलमोस्ट 10-11 दिन की तो हो जाती हैं बकरीद की छुट्टियां, तो उसमें वो बैठ के रीडिंग वगैरह करते हैं, ऐसे अपना टाइम पास करते हैं। तो ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि आजकल बुक्स रीडर बहुत कम हो गए हैं, कुछ हिंदी में हैं, कुछ उर्दू में भी हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं, तो हर लैंग्वेज में उन्होंने रखी हुई है और पढ़ते भी हैं। इसमें से कितनी मैंने दिव्य प्रकाश दुबे की तो 2 बुक्स मैंने, नॉवेल जो भी है, मैंने ख़त्म कर ली है, पढ़ ली है, और ये उर्दू में है। तो ये सेक्शन जो है बुक्स का है, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं तो इसमें से बुक्स निकाल के रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कोई भी बुक्स हो, वो इसमें से निकाल के रीड करते हैं। और ये साइड में टीवी लगी हुई है जो कि बहुत ही कम चलती है, मीन्स हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, और बस रात में कभी कोई मूवी लगा के हम लोग उस पर देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मेरा बनाया हुआ DIY फ्लावर वॉस है, और लाइट मैंने ऑफ़ कर दी है, लाइट ऑफ करके कुछ इस तरह से लुक आता है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामने जो फ्रंट में डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे हम लोग इफ्तार, डिनर, लंच सब कुछ करते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने स्टिकर लगाया हुआ, ये उस एरिया पे मैंने लॉन का लुक दिया है, और यहाँ पे मैंने वॉल स्टिकर लगाया है जो कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। और यहाँ पे पिक्स का कलर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बैकग्राउंड से ग्रीनरी का लुक आता है। तो बस ये हमारा छोटा सा लॉन है, जहाँ की वाकई थोड़ा सा जो है ऐसा फील होता है कि हाँ हम लोग लॉन में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ही साइड में हमने शू रैक रखा हुआ है, और यहाँ पे शू रैक के ऊपर हमने रखा है ग्लव्स और मास्क रखा हुआ है, ताकि हम लोग बाहर जाते टाइम यहाँ से मास्क और ग्लव्स, और साथ में ही सैनिटाइज़र भी है कि बाहर से आते ही हम लोग हाथ को सैनिटाइज कर लें, और जाते टाइम ग्लव्स और मास्क ले लें। और साथ में यहाँ मेडिसिन भी रखी हुई है जो कि आजकल ज़रूरत पड़ जाती है। और ये है एक मेहराब बना हुआ है, जो सामने ही जो है पैसेज है, और दोनों साइड में जो है बेडरूम है। तो चलिए मैं आपको बेडरूम भी दिखा देती हूँ, ये है मास्टर बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम, और ये भी हमने बहुत ही सिंपल सा रखा है। बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग जो है चीज़ें नहीं ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिंपल सादा बेडरूम और हॉल और घर हम लोगों को सिंपल सादा ही पसंद आता है। ज़्यादा चीज़ों से अगर घर भर जाता है तो जैसे लगता है कि एक उलझन सी होती है, इसलिए हमने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखी हुई हैं अपने घरों में। और ये देख सकते हैं, ये है बिल्कुल सामने ही फ्रंट पे जैसे एंट्री होती है हमारे, और उसके सामने ही ये बेडरूम है,
और ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। और सामने से जो है मैं कर्टन अगर आप खोल के देखें तो बिल्कुल सामने रोड है और यहाँ पे रोशनी ज़्यादा आ रही है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती खोल के। तो और दूसरे साइड में भी कर्टन लगा है जो कि हमारे नेबर का लॉन दिखता है, जो कि मैं कई व्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें रखी हैं चलिए ये भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना हाउस टूर करा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए फुल डिटेल में आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हम लोगों का कपल फ्रेम है, जो कि मैंने अपने आप को इस अप्पू से छुपाया हुआ है। अप्पू मीन्स इसमें ये कैंडी बॉक्स है, इसमें कैंडी होती है बच्चों के लिए। और यहाँ पे मेरे मेकअप का सामान है, और यहाँ पे एक वॉच है, जो वॉच मीन्स क्लॉक है। और यहाँ सीरम है, आई सीरम है, परफ्यूम है, और आईब्रो फिलर है। यहाँ पे कुशन फाउंडेशन है, जो कि मैं फटाफट से अगर मुझे मेकअप करना हो तो मैं कर लेती हूँ। और ये पोर मिनिमाइजर है, क्लिंजर है, और साथ में ही ये लिपस्टिक है जो कि आजकल मेरी ऑल टाइम फेवरेट हुई है। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए कुछ इस तरह से है, रेड है, काफ़ी अच्छा इसका कलर है, तो आजकल मेरी ऑल टाइम ये फेवरेट हुई है ये लिपस्टिक। ये है मूड मैचर की ब्रांड की है, इसे मैंने किसी फार्मेसी से लिया था मूड मैचर। तो ये आई थिंक 45 रियाल की मिली थी मुझे, अच्छी है काफ़ी और बिल्कुल मैट है। और ये है मनी बैंक मेरे बेटे का, इसमें मेरा बेटा अपना जो है पैसे कलेक्ट करता है। और ये उसके की चेन है, और ये एक क्लॉक है, इस पर लिखा हुआ है फैमिली। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे लास्ट बर्थडे पे, ये मेरा लैपटॉप। तो मेरा ये लैपटॉप है जो कि मेरा फेवरेट है, और इस पर काफ़ी काम, इस लैपटॉप से मैं बहुत ज़्यादा काम लेती हूँ। तो अगर ये कुछ इसे ख़राब हो जाता है तो मेरा सारा काम रुक जाता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। और ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल जो कि मेरे बेड के बिल्कुल फ्रंट पे है, और बेड के साइड में ही ये है अलमीरा और या कबर्ड कह दीजिए। ये काफ़ी जो है बड़ा है, लंबा चौड़ा है और स्पेशियस है, इसे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर देके बनवाया था, तो इसलिए ये बेड के जो है कलर से डिफरेंट है। अदरवाइज यहाँ पे तो जो बेड मिलते हैं वो बेड, ड्रेसिंग टेबल और इसके साथ में मिलते हैं, बिल्कुल एक ही कलर के मिलते हैं। तो ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसे ऑर्डर देके बनवाया था, और बेड के जस्ट ऊपर ही दो सीनरी है। और सिंपल सा मेरा ये बेडरूम है, लेकिन मुझे काफ़ी प्यारा लगता है ये बेडरूम मुझे। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो है साइड में मैंने दोनों फ्लावर वास रखा हुआ है। मैंने लैंप इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहाँ पे प्लग की जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे लैंप नहीं लगाया। और ये है मेरा DIY जो कि मैंने ही इसे स्टिक किया है। और रूम से निकलते ही जस्ट बगल में ही ये लॉन्ड्री एरिया है, जहाँ पे जो है ये इस तरह से जो है बेसिन है, वॉश बेसिन है, और इसे वॉल स्टिकर से मैंने डेकोरेट किया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर जो है वॉशिंग मशीन यानी लॉन्ड्री का सारा सामान है, और इसके जस्ट बगल में ही हमारा मास्टर बाथरूम है। ये जस्ट बगल में हमारा मास्टर बाथरूम है, और ये काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, और काफ़ी स्पेस है इस बाथरूम में। और इसमें जो है, इसमें भी जो है वॉश बेसिन है, और आउटसाइड बाथरूम के आउटसाइड भी बेसिन है, और इनसाइड भी बेसिन है, और काफ़ी ये बड़ा सा है आप देख सकते हैं। और बस कुछ इस तरह से है, मैं अब अंदर से आपको बाहर का लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है ये जो है बाथरूम के इनसाइड का ये लुक है।
और जस्ट बगल में मेरा मास्टर बेडरूम है और सामने ही फ्रंट पे जो है ये बच्चों का रूम है। ये जो है हमारा बेडरूम है और ये सामने किड्स रूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब किड्स रूम में चल के देखते हैं कि ये कैसा रूम है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये किड्स रूम है, इसमें भी एक अलमीरा है और कारपेट्स मैंने लगा दी है। और ये हमारी पुरानी मजलिस थी और मजलिस तो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, तो इसका और भी पार्ट जो था वो हमने फेंक दिया है और बस एक पार्ट हमने रख लिया था कि चलो ऐसे बैठने में काम आएगा, अदरवाइज मेरे हस्बैंड इसे भी फेंक देते, वो चीज़ें फेंकने में बहुत नंबर वन है। तो मीन्स वो डिक्लटरिंग बहुत ही फास्ट करते हैं, उनका बस चले तो सब कुछ पुरानी चीज़ें फटाफट से फेंक दें। इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उन्हें घर में हम दोनों लोगों को घर में ज़्यादा सामान पसंद नहीं है। और हमें बच्चों के लिए लेना था बेड और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और तब से हम लोग उतना मार्केट वगैरह नहीं गए हैं। अब इंशाल्लाह ज़रूर बेड लूँगी बच्चों के लिए। तो ये बच्चों का रूम है और ये बच्चों का खेलने का जो है टेंट है, फुटबॉल है और बैट बॉल है और जो भी बच्चों का कैरम वगैरह है, लूडोज वगैरह सब कुछ और बच्चों का यहाँ पे मौजूद है। और बच्चों के रूम में तो जो जब तक एनिमल्स या फिर कुछ इस कार्टून वगैरह टाइप चीज़ें जो है वॉल स्टिकर वगैरह ना लगा हो या ना रखा हो तो बच्चों को वहाँ पे बैठना, वहाँ खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने जो है वॉल को डेकोरेट किया है स्टिकर्स से, तो कुछ इस तरह से। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा टॉयज़ तो मैंने जो है फेंक दिए हैं, डिक्लटरिंग कर दी है। और ये जो बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे और जो ये सब डे होते हैं उन डे में जो है बच्चे लोग अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि उन्होंने क्या क्रिएटिविटी की है। और ये बच्चों का कर्टन है बच्चों के रूम में, काफ़ी मुझे पसंद है और सेम जो है लुक जो है सेम बेडरूम में जो आता है, जो यहाँ आता है वही सेम हमारे मास्टर बेडरूम से भी वही सीन नज़र आती है। ये हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट है वो उनका ये लॉन है। तो सामने ही बिल्कुल मस्जिद है और सामने ही बिल्कुल पार्क भी है। तो ये था बच्चों का रूम और एक साइड में मैंने यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रिक ओवन, यहाँ पे मैं केक पिज़्ज़ा इसमें ला के रखती हूँ, बनाती हूँ क्योंकि किचन में मैं भी आपको किचन में भी ले चलती हूँ और किचन के भी टूरिंग टूर कराती हूँ क्योंकि वहाँ पे माइक्रोवेव रखा है तो ये इलेक्ट्रिक ओवन रखने की उतनी जगह नहीं है। और ये है गेस्ट मीन्स बाहरी वॉशरूम और ये भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है ये भी, तो दोनों ही जो है वॉशरूम अच्छे हैं और ये गेस्ट के लिए है और बाहरी है मीन्स कोई भी आके यूज़ कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राइंग रूम से बिल्कुल ये लगा हुआ है। ये कुछ इस तरह से है, ये भी सिंपल सा है, बहुत वैसा नहीं रखा मैंने, बस हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि चीज़ें साफ़ सुथरी हो, कंफर्टेबल हो और प्यार मोहब्बत से घर में रहा जाए तो ही जो है कोई भी घर जो है जन्नत बन सकता है। तो अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो ये पैसेज से होते हुए जो कि यहाँ पे मैंने अपनी जो है फ्रिज रखी हुई है और किचन के बिल्कुल सामने ही इंटरकॉम है और बस ये हमारा आ जाता है किचन जहाँ से मैं बहुत सी रेसिपीज़ बना बना के यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। तो वो जगह है ये किचन, मेरा प्यारा सा किचन और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो भी है ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये हमारा किचन है
तो यहाँ पे मेरा जो है कुकिंग रेंज है, डिस्पेंसर है, सामने जो है माइक्रोवेव है, और यहाँ पे बर्तन रखने का शेल्फ है, और साइड में ही वेजिटेबल्स यानी पोटैटो, ओनियन, लहसुन, अदरक ये सब रखने का जो है की टोकरी है, और साइड में ही ये टिश्यू बॉक्स है, और यहाँ पे सामने मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया है ताकि ऑयल वगैरह का जो है छींटा ना पड़े, क्योंकि ग्रीसिंग बहुत होती है अगर कुकिंग करते टाइम ग्रीस हो जाता है, स्टीम, ऑयल ये सब जो है ग्रीसिंग हो जाती है और उसे क्लीन करना मुश्किल हो जाता है, तो इससे जो है करने से पहले ही मैं इस पर जो है स्टिकर लगा दी हूँ। और ये है कुछ इस तरह से मेरे किचन का लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये किचन पसंद आ रहा होगा, और यहाँ से मैं आप लोगों के लिए जो है रेसिपीज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और साइड में ही यहाँ पे सिलेंडर है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, और बहुत से लोगों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की है कि आप अपने किचन का भी टूर कराएं, तो किचन का बस कुछ इस तरह से टूर है। और चलिए मैं इसके किचन के बाहर का दिखाती हूँ। ये एक कुछ पूरे बिल्डिंग पे एक इस तरह से पैसेज बना है कि जो है किसी की एसी की जो है पाइप्स नीचे गई हैं, या फिर जो है यहाँ पे जो सारी जो फ्रेश हवा है या फिर वैसी हवा, ये कुछ इस तरह से पैसेज बना है, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर ये ओपन एरिया छुटा हुआ है ताकि लोगों की एसी के जो एयर वगैरह है या फिर गर्म हवाएं हैं या कुछ भी एग्जॉस्ट फैन का भी जो हवाएं हैं वो यहाँ से पास हो सके, इसलिए वो पैसेज छोड़ा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो है मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो कुछ छोटे मोटे जैसे कचड़े वगैरह निकलते हैं तो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये सब टिप्स आप लोगों को भी अपनानी चाहिए कि छोटे से बॉक्स को पास में रख लिया कीजिए, उसमें जो भी जो है बचा कुचा कुछ भी होता है वो उसमें डाल दिया कीजिए, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग सऊदी में रहते हैं या कहीं भी कोई गल्फ में रहता है तो अपने रेंटेड हाउस में रहता है, तो ये हमारा रेंटेड हाउस है और ये जो है 3 BHK जो है फ्लैट है, विला है, जो भी कह लें आप, ये विला कम फ्लैट है। तो ये जो है इसकी प्राइस आपको 20,000 रियाल पर ईयर की है, और उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं इंडियन या पाकिस्तानी करेंसी में, इसे कन्वर्ट करके आप अगर जानना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं कि इसका रेंट कितना पड़ रहा है, 20,000 रियाल पर ईयर। तो ये था मेरा किचन, और इसके बाद पैसेज है, तो सिंपल सा है ये 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम, 1 लॉबी, 1 जो है पैसेज एंड किचन। तो ये था एक मेरा छोटा सा हाउस टूर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी हाउस टूरिंग कैसी लगी, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।